शिवा शिवा, तीनों लोक में हाहाकार मचाने वाले दशमुखी रावण पर राम के साथ हो रहे युद्ध में पराजय का क्षण मंडरा रहा है। आज के इस युद्ध में कुंभकर्ण का उतरना ही सही होगा। सुनो, कुंभकर्ण को जगाकर सभा में लेकर आओ, ये रावण की आज्ञा है। हे रावणेश्वर, हमारा प्रयत्न निरर्थक हो गया। अब इन्हें उठाने के लिए साक्षात ब्रह्मदेव को ही आना होगा। कुंभकर्ण को जगाने के लिए ब्रह्मदेव को बुलाया जाए। उठ साले, उठ, आंखें खोल। कौन है मैं तू? उठ। कौन है मैं तू? तू उठना। नींद अच्छी होने से किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर नींद ही बीमारी हो तो? यस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर हर 4 करोड़ लोगों में से किसी एक में ही पाया जाता है। इस सिंड्रोम की वजह से इंसान दिन में 12 घंटे या ज्यादा के लिए भी सो सकता है, 14 घंटे या 18 घंटे तक भी लगातार सो सकता है। कई लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन तक सोते हैं और कई केसेस में महीनों तक सोए रहते हैं। इस बीमारी का कोई तो रीजन होगा सर। इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंड्रोम्स। वैज्ञानिकों की माने तो रामायण काल में रावण के भाई कुंभकर्ण को भी यही बीमारी थी, और आज भी इस बीमारी की वजह मेडिकल फील्ड के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सर, पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी होती है? कोमा में रहने वाले इंसान की तरह। उनके आसपास क्या क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर नहीं होती। खाना, पानी, टॉयलेट, किसी न किसी को इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। He can't be completely independent. इतनी नींद और आलस की वजह से कई लोग एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और कईयों के साथ उल्टा होता है। They are physically very active. Dance, karate, studies, इन सब में वो लोग आगे होते हैं। सर, क्या हमारे देश में भी ऐसे केसेस हैं? आपने किसी का ट्रीटमेंट किया है सर? हमारे देश में अभी तक मुझे सिर्फ 3 केसेस के बारे में पता चला है। उनमें से एक की कुछ ही वक्त पहले मौत हुई, इट वॉज अ नेचुरल डेथ, और दूसरा केस पुणे में है, अंडर ऑब्जर्वेशन। तीसरा पेशेंट बेंगलुरु का रहने वाला है। लेट मी शो हिम। ही इज मिस्टर भरत कुमार, माय पेशेंट। ये दिन में 18 घंटे सोता है। भरत के साथ जब ऐसा पहली बार हुआ तब वो 6 साल का बच्चा था। ये समझने के बाद कि उसे एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, भरत की पूरी फैमिली ने उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत हिम्मत दिखाई। यहाँ तक कि भरत भी अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहता है। कई सालों से वो मेरी इंस्ट्रक्शंस, मेडिसिंस विदाउट फेल फॉलो कर रहा है। भरत ने अपना स्लीपिंग रूटीन सेट किया हुआ है, जिसमें वह रात के 10 बजते ही सो जाता है और 18 घंटे पूरे होने के बाद अगले शाम को 4 बजे उठ जाता है, और बचे हुए 6 घंटों का एक सामान्य इंसान की तरह बहुत एफिशिएंटली यूज करके भरत अपनी लाइफ जी रहा है। आई रियली अप्रिशिएट भरत एंड हिज फैमिली फॉर दिस। एक सेकंड है सर, आपका वाटर टीडीएस लेवल इस वक्त 300 पर है। एक्चुअली उसे 50 से कम होना चाहिए। आपके लिए प्यूरिफायर जरूरी है सर। ठीक है, कोटेशन भेज दूंगा सर मैं। I am an Indian woman. In India, people give first importance to the mother because चुपा। इधर आ, मेरी नन्ही सी मदर इंडिया, मेरा सिखाया हुआ मुझे सिखा रही है बदमाश। चाचूपा एक फैंसी ड्रेस में फोटो लेके फेसबुक पे अपलोड करें क्या? टेक्स्ट बुक और नोटबुक छोड़कर तुझे फेसबुक दिखाई देता है? चल जाकर पढ़ाई कर। भी बताती हूँ। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, चॉकलेट से भी स्वीट है मेरा चाचूपा। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, बहुत सोले चाचू अब तो उठ जाना। सोते हुए मुझे परेशान कर रही है बदमाश, बदमाश कहीं की। हे भगवान, फिर से शुरू हो गए हैं दोनों। भरत, तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई क्या? चलो जाकर रेडी हो जाओ। ये वरु मुझे छोड़ ही नहीं रही है। वरु चलो उठो यहाँ से, पापा के पास जाओ और ड्रेस चेंज करो, जल्दी करो, चलो जाओ। भैया अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दो। पता नहीं इस लड़के की कैसी आदत है, वॉशरूम में भी इसे नेट चाहिए, पॉटी में भी यूट्यूब देखेगा। पूजा के वक्त ऐसी फालतू बातें मत किया करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग हो गई है। तुम्हारी बातें सुनकर सूरज आत्महत्या कर लेगा। वो तो मेरे लिए 10 साल पहले ही मर चुका सर। 3650 दिन हो गए सुबह का सूरज देखे। हेलो, बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर। दीपावली ऑफर के लिए बम्पर प्लान बनाने को कहा था, बनाया कि नहीं? अच्छा सर, वो ड्रॉअर में देखिए। तुम सारा काम फोन पर ही करने वाले हो या फिर शोरूम आने का भी कोई प्लान है? 20 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। 20 मिनट में? हेलो, पार्ट टाइम जॉब में भी तुम पार्ट टाइम काम कर रहे हो? 5 मिनट में निकलूंगा और 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। कपड़े पहनते समय कॉलर पर ध्यान दिया कर। भारत इधर आ, ये लो। नो थैंक्स भैया, माना कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही जागता हूँ लेकिन अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। अरे भाई, ये तेरे लिए नहीं है, मेरी गोलियाँ खत्म हो गई उसके लिए। ये ले। ठीक है, बाय भैया, बाय बाय भाभी, बाय चाचू बाय। आप दोनों की जोड़ी भी कमाल की है। आपको बिना नींद की गोली की नींद नहीं आती और उसे बिना गोली के इतनी नींद आती है। तुम हमेशा उसे घर ले आते हो चाहे वो कहीं भी हो। थैंक्स भाई। थैंक यू क्यों सर, आप पैसे देते हो, मैं ड्रॉप करता हूँ बस। क्या ठीक है सर, चलता हूँ। ध्यान रखना। मोशन स्लो होने पर लाइफ भी स्लो मोशन हो जाती है। ये जूस पी लीजिए। सुनो, अगर तुमने मुझे 1 कप कॉफी दी होती तो मेरा पेट हल्का हो जाता, लेकिन ये कड़वी लौकी का जूस पीने के बाद मेरा पेट हार्ड हो जाता है। मैं तो सिर्फ आपकी माँ का टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ। उन्हें डांटिए, मुझे डांट के क्या फायदा। ए, अब उठ जाना। कॉफी है, मुझे लूज मोशन है ना। पापा, कॉफी चाय सिगरेट सब एडिक्शन है, इससे कोई फायदा नहीं होता, सब का सब पॉइजन है, छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली और घर दोनों बना लिया, लेकिन मेरी आदत नहीं छूटती मुझसे। इसे अपना डाइटिशियन बनाकर मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। टप्पू, तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया था उसके बारे में क्या ख्याल है? उसका इंस्टा देखा मैंने, उसका स्टाइल अच्छा है लेकिन लाइफस्टाइल बिल्कुल कूड़ा। ये ले, सुबह होते ही कॉफी के साथ अपनी फोटो अपलोड कर देता है और रात होते होते पार्टी फोटोज अपलोड करता है। ही इज अ पार्टी एनिमल। और वैसे भी उसे मेरी जैसी स्मार्ट लड़की नहीं चाहिए, 4G नेटवर्क वाला स्मार्टफोन चाहिए। बाय माँ। बाय बेटा। बाय पापा। हाँ बाय बाय। आजकल के बच्चे जो भी करते हैं उसे सोशल नेटवर्क पर डाल देते हैं। ये सिर्फ सोशल नेटवर्क नहीं है, जन्म कुंडली है सबकी। morning, ma'am. Good morning. How many appointments today? List ready हो रही है. Okay, send them. Hello everyone, I'm Dr. Swami Prakash Rai, Reproductive Endocrinologist and Fertility Specialist at Srishti Hospital. Well, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एग फ्रीजिंग और फीमेल फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आदमियों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, तो हम स्पर्म बैंक से या फिर स्पर्म डोनर से कंसल्ट करते हैं। Whereas in females case, it's quite difficult. जब फीमेल्स में एग सेल्स कमजोर हो जाते हैं, एग बैंक ढूंढना या फिर एग डोनर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एग सेल्स की काफी डिमांड है। That's why हमारे हॉस्पिटल में पोटेंशियल डोनर से एग सेल्स को लिया जाता है और फिर उन्हें फ्रीज किया जाता है। आप लोग चाहें तो हमारे हॉस्पिटल से हेल्दी फ्रोजन एग्स लेकर इनफर्टाइल पेशेंट्स की परेशान जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। You can have a look at those profiles. That's good. It's nice. आइए भाभी, अंदर आइए। चाचू पापा, मैं दो पिज्जा खाऊंगी। हाँ, हम चार लोग हैं बेटा, ले लेंगे। चलो बैठो। भैया भाभी, वरु आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाई है। सरप्राइज है? क्या है वो? एनिवर्सरी। हिंदी में बोलो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाले आदर्श दंपत्ति हो। आपको 7वीं सालगिरह मुबारक हो। ये थैंक यू। बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे चाचू तो इसमें नहीं है। अरे हाँ, हे भगवान। ओह सॉरी। नॉर्मली मैं लेट हो ही जाता हूँ। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। आज तो मैं फिर भी थोड़ा जल्दी आ गया। मैंने मैट्रिमोनियल साइट में आपकी प्रोफाइल देखी, बाकियों के कंपैरिजन में आपकी प्रोफाइल काफी कैची लगी, तो फिर कैचअप करना तो बनता ही है ना। एक्सक्यूज मी सर, एक पिज्जा, बर्गर, एक फ्रेंच फ्राइज। ओके थैंक यू सर। एक मिनट, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, अपने लिए ऑर्डर कीजिए ना। हाँ ऑर्डर, I'll have one veg salad. गर्मा गर्म पिज्जा। शुरू करें? यहाँ की चीज का जवाब नहीं। इसकी तो एक बात बता, तेरी ट्रिप कैसी थी? अरे सुपर थी यार। ये कितने का दिया आंटी? 20 रुपया दीदी। दादाजी मैं पानी लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ए जल्दी स्टार्ट कर, चल। नहीं, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे ओ काले जामुन, अब सब लोग एक कहानी सुनो। चैप्टर 1। एक किसान था, उसके पास रोज सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। रोज सोने के अंडे के इंतजार ने उसे पागल बना दिया, तो एक दिन उसने उसे काट डाला। अंडा एक भी नहीं मिला, बस टट्टी हाथ लगी। ये मुर्गी भी देती है, हर महीने ये एक सोने का अंडा देती है। हमारी कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा बिजनेस किया है। इसका सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। टीम चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन टीम में हमेशा बेस्ट प्लेयर जरूर होता है। इस टीम का भी एक बेस्ट प्लेयर है। हाँ? कौन है वो? धोनी की तरह लेट कमर बट गुड फिनिशर। क्या? और वो है हमारा भारत। अरे भारत, अरे इधर आओ भाई। आया सर। बहुत बहुत मुबारक। ये लो। सर, थैंक यू सर। सबके सपोर्ट के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाता। और मैं जानता हूँ कि मैं कम काम करता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कभी निकम्मा नहीं समझा। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत अनमोल है सर। लेकिन बॉस अगर चाहे तो मोल मिल सकता है। हाँ? कैसे? अभी मुझे आधी सैलरी मिलती है ना, फुल सैलरी दे दो सर। ठीक है, कल सुबह दुकान खुलते ही आ जाना, पूरी सैलरी ले जाना। अरे सर, हा? हमारी शॉप पर आया हुआ कस्टमर खाली हाथ वापस जा रहा है सर। ये पकड़े सर, बस एक मिनट, मैं जाकर उस कस्टमर को वापस लेकर आता हूँ। आप मेरी सैलरी के बारे में सोचिए। ए भरत, हेलो भाई। अरे कहाँ लेके जा रहा है? लोग पार्क या थिएटर में जाते हैं, तू चप्पल की दुकान में शुरू हो गया। क्या सीन है भाई? तेरी फैंटेसी। देख भाई, ज्यादातर प्रपोजल के जवाब में चप्पल मिलती है, इसीलिए मैं सीधा चप्पल की दुकान में ही आ गया। समझा? हाँ, समझा। मैम, कैन आई हेल्प यू? या ये पैटर्न यहाँ मिलेगा क्या? एक मिनट चेक करता हूँ। भाई पूरी दुकान छान ली मैंने, सिर्फ यही एक मिला है। ट्राई मार ले भाई। ना? मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए। मुझे वही पैटर्न चाहिए। मैडम, आप अपना एड्रेस और फोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसे स्पेशल ऑर्डर करके आपके घर पहुंचा दूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हाँ, एक बार शायद रेस्टोरेंट में। एक बार नहीं, 2 बार। हाँ, 2 बार देखा। हेलो, दूसरी बार कहाँ देखा? बता दूंगा बेटा। चाचू पा मुझे सब पता है हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। कहाँ? आप सो जाओगे वहाँ की लोकेशन मुझे ही भेजनी पड़ेगी ना। सब पता है तुझे बदमाश। हेलो सर, कैन आई हेल्प यू सर? यस, इस डिजाइन की चप्पल मिलेगी? सर ये डिजाइन तो यहाँ नहीं मिलेगा। ये डिजाइन मिलेगा क्या? ये डिजाइन तो नहीं है सर, हम हैंडमेड चप्पल नहीं रखते। एक्सक्यूज मी। यस सर। सर ये बॉम्बे आइटम है सर, इसका सप्लाई बंद हो गया है। आप किसके लिए चप्पल ढूंढ रहे हो चाचू पा? आराम से बताऊंगा बेटा। सर आपके पास इस डिजाइन का चप्पल मिलेगा? सर ये तो क्लासिक स्टाइल है, एक आदमी बना सकता है, गफूर खान। सिंगल ऑर्डर नहीं लेता भाई, हमारे पास टाइम नहीं। भैया जिंदगी में मुझे पहली बार प्यार हुआ है, अगर ये चप्पल मुझे नहीं मिली तो वो भी मुझे नहीं मिलेगी भैया। ओह लव का लफड़ा। लव का लफड़ा नहीं है भैया, लव की चप्पल। आजकल की लड़कियां तो महंगे गहने मांगती हैं और तुम्हारी सिर्फ चप्पल मांग रही है। बहुत ही अच्छी लड़की है, देखो फिक्र मत करो भाई, तुम्हारा ऑर्डर मैं बनाऊंगा। अच्छा भैया ये देखो, ये जो लाल कलर है ना, हाँ इस पर ये जो डिजाइन है बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। डॉक्टर वी आर ट्राइंग फ्रॉम पास्ट 10 years और आखिर में हमें आपका कॉन्टैक्ट मिला। एंड डोंट वरी अबाउट मनी सर प्लीज हेल्प अस। काम डाउन देसाई, काम डाउन। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा। एग सेल्स वीक होने पर एग डोनर से एग सेल लेकर हम उन्हें स्पर्म से इन्फ्यूज करके लैब में कल्चर करते हैं। हम इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो इसीलिए आप लोग भी माँ बाप बन सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू, आपके लिए डोना मैं अरेंज कर लूंगा। लेकिन एक बात है, इस सब्जेक्ट को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। वेल, ये है एक्सेल्स डोनेट करने वाले लड़कियों की प्रोफाइल। डिपेंड आप अपने बच्चे में कैसी क्वालिटीज चाहते हैं, उन क्वालिटीज को कस्टमाइज करके आप डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैडम पार्सल, थैंक यू। सुनिए, आपका दिमाग तो ठीक है ना, ऐसी चप्पल क्यों ऑर्डर करी आपने? चप्पल मैं क्यों ऑर्डर करूंगा? हवाई चप्पल में भी तुम ठीक से नहीं चल पाती। अगर ये चप्पल तुम पहनोगी तो तुम्हारा पैर तो गया। अगर ये मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए ऑर्डर किया है? कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? अरे मैं तो साधु आदमी हूँ यार। सुनो, तुम साधु बनो या किसी शैतान के पुजारी बनो, मुझे बस सच बता दो कि ये सब क्या है। अरे ये कैसी बात कर रही हो? मैं राम, तुम सीता और हमारा लक्ष्मण भी तो है। अरे चाचू पानी ऑर्डर किया है। ओ, उसने नींद में लेडीज चप्पल ऑर्डर कर दी होगी और क्या। ये क्या, क्लिनिक तो खाली पड़ा। 1 kg कल से और ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। कल ही तो चेक किया था, शायद ये मशीन ही खराब है। आओ ना प्लीज कम इन। कॉल आया तो मुझे लगा कोई डिलीवरी बॉय आएगा, लेकिन तुम तो खुद ही आ गए। मैं तो बस देखने आया था कि तुम कैसी हो। अनहेल्दी। वाओ, मैंने इन्हें हर जगह ढूंढा, मॉल में, इंटरनेट पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। हा? अरे रो रही हो क्या? थोड़ी सी इमोशनल हो गई। हाँ, तुम लड़कियां भी ना, चप्पल मिले तो रो दोगी, चप्पल टूट जाए तो रो दोगी। हम लड़कों का सीन सही है, चप्पल खा के भी नहीं रोते। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ ट्राई नहीं करोगी क्या? मेरा मतलब चप्पल का साइज ठीक है कि नहीं ये देखना है। अपने डॉक्टर से और अपने प्यार से कुछ नहीं छुपाते। जाकर उसे सब सच बता दो। सच कड़वा है डॉक्टर, इतनी प्यारी लड़की को सच कहाँ रास आएगा? सच को कब तक छुपाओगे? आप ही बताइए, मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ भरत, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। एटलीस्ट मुझे 2-3 घंटे बैलेंस करने की मदद कीजिए, फिर मैं उसके साथ पूरी लाइफ बैलेंस कर लूँगा। जागने से ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी को सोते हुए जिया है डॉक्टर। सूर्योदय कैसा होता है देखा नहीं, लेकिन प्यार देखना चाहता हूँ और इस एहसास को मैं खोना नहीं चाहता डॉक्टर। भगवान है ना भरत, अपने बच्चों की मदद करता है। बच्चे के सोने का टाइम हो गया डॉक्टर, मैं चलता हूँ। ठीक है। ए, इसका पासवर्ड क्या है बे? जल्दी बोल। पासवर्ड देता है कि नहीं? दे। क्यों चाहिए तुझे? क्या बे? इससे क्या मेरी फोटो डिलीट कर देना प्लीज। ए, मासूम लड़कियों की अश्लील फोटो खींचेगा तू? हाँ? क्या बे? चप्पल से मार बेटी इसे, चप्पल से मार अपनी। क्या चल रहा है यहाँ पे? आइए सर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। लड़कियों की फोटो खींचता फिरता है ये लोफर, जेल ले जाकर 3rd डिग्री दीजिए, सीधा हो जाएगा। मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे समझा, चप्पल से मारा था ना मुझे। इडियट्स, जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? सड़क पे कोई जाता हुआ दिखाई नहीं देता क्या? तुम भी खाओ। सर, मेरी चाबी दे दीजिए, मुझे जाना है सर। हमें फल दिए, स्वीट्स दिए, तुमने पानी भी लाया, तुमने हम पे एहसान किया है। तुम्हारी हेल्प के लिए एक तो बनती है सेल्फी। एक सेल्फी तो बनता है। सुनो, ये गलत है, मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। चुपचाप मेरी चाबी वापस कर। प्लीज बेबी प्लीज। भारत भारत भारत। प्लीज हेल्प मी भरत, ये लोग मेरी चाबी वापस नहीं कर रहे हैं, प्लीज डू समथिंग। इस वक्त उनकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही, अब क्या करूं भगवान। अरे अंदर क्या करने गया भाई? ढूंढने गया होगा। बॉस देर हो गई है, पेरेंट्स चिंता करेंगे, प्लीज स्कूटी की चाबी दे दो। ब्रो, एक ही सेल्फी तो मांगी है और उसके बाद आराम से घर जा सकती है। एक सेल्फी की बात है, दे दो ना। मैं इन्हें सेल्फी क्यों दूं? मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानती यार। प्लीज चाबी दे दो। ब्रो, नॉर्मल रहते तो हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमने भूख रखा है, तेरी बात क्यों सुनेंगे? एक सेल्फी की तो बात है ना, जाके दे दो ना। आ गई रे। ए, कम ऑन, सेल्फी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भरत। ए ब्रो, कल रात को यही लड़का था ना? Bro, yesterday night matter. You didn't forget? कल रात को जो हुआ वो मैं नहीं भूला, लेकिन जो भी होने वाला है वो तुम नहीं भूल पाओगे। क्या चाहिए तेरे को? बस एक ग्रुप सेल्फी। और जो नहीं दी तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। क्या नहीं हूं मैं, जेंटल हूँ, जेंटलमैन। इस जेंटलमैन के अंदर एक सोया हुआ कुंभकर्ण है। अगर मैंने तुम्हें उससे नहीं मिलवाया तो इस कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। और आपको जाओ ब्रोस। ओके ना डॉक्टर? बाकी सब तो ठीक है, मगर ये जो लड़का सामने खड़ा है इसका खून थोड़ा कम निकला है। और अब ओके ओके। सो ये लड़कियों का बोलने का क्या मतलब होता है? बातें खत्म हो गई हैं क्या? बातें तो होती रहेंगी। We'll meet for lunch tomorrow. अपने पेरेंट्स से भी मिलवाना चाहती हूँ। शार्प 1 PM पहुँच जाना। लोकेशन भेज रही हूँ। नो नो, 5 PM। 5 PM लंच टाइम नहीं होता, कॉफी टाइम होता है। Come at 2. अच्छा ना तुम्हारी ना मेरी, 3 बजे मिलते हैं। Okay, but don't be late. भरत, मुझसे शादी करोगे क्या? मुझे जवाब दे देना। मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। भगवान जाने कौन सा सपना देख रहा है। आराम से हाँ। हो गया। इतनी मुश्किलें झेलकर कहाँ जा रहा है ये? रिश्ता पक्का करने। चल ये ले। रिश्ते के लिए शगुन के लिए लोग फल फूल और मिठाई लेकर जाते हैं। पेस्ट, साबुन और ब्रश लेकर जाने वाला पहली बार देख रहा हूँ मैं। क्या कहा तूने? फिर से तो बोल जरा। मैं कह रहा था इसकी होने वाली बीवी किस्मत वाली है। तेरी बहन है ना, उसकी किस्मत चमकाने के लिए शादी करवा दे। अरे नहीं नहीं, मेरी कोई बहन बहन नहीं है। अगर होती भी तो ऐसी किस्मत नहीं चाहिए भाभी। हाँ हाँ ठीक है, चल ये ले। लगता है नहाया भी नहीं है। टप्पू, उससे पूछो कहाँ है, खाना ठंडा हो रहा है। अगर खाना वेस्ट हुआ ना तो यही रात में खाना पड़ेगा, समझी? यहाँ मेरी लाइफ वेस्ट हो रही है। भारत, what is this? What's wrong with you? Sorry, वो कल रात को स्टॉक लेट आया था ना और मैं अपना फोन चार्जिंग पे रखकर सो गया था. सॉरी. बहाना तो ढंग का बना लेते. चलो पापा, दिस इज भरत. ही इज अ वेरी सेंसिबल मैन. टाइम को लेकर पापा. ठीक है, सुनो इसे भी दे दो. अरे ये क्या है? मैंने फोन नहीं उठाया तो तुमने मुझे वॉइस नोट भेजा. ठीक है, अभी सुनता हूँ. हाय भरत, आई लव यू. तुम हो फास्ट एंड फ्यूरियस और मैं हूँ स्लो एंड स्टेडी. आई थिंक वी विल मेक अ परफेक्ट कपल. क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दीदी चुप करना. सॉरी. ये केवल जान पहचान नहीं है, कुछ और ही बात है. रेजिग्नेशन लेटर. जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, समय के अभाव में उसके साथ समय न बिता पाने के कारण मैं इस जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ. प्यार के पीछे कोई जॉब छोड़ता है क्या? हाँ, प्यार के पीछे तो लोग जीना छोड़ देते हैं. सुनो, ये आधी रात को दारू पीकर बीच सड़क में गाना गाना तुम्हें गलत नहीं लगता है क्या? सर वो कितनी पी है? सर पैक तो मैंने नाप तोल के बनाया था. अरे बाप रे. तुम्हारी लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम हूँ मैं. तुम घड़ी 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 क्या देखते रहते हो? ऐसी बात नहीं है, वो शोरूम में स्टॉक आने वाला है ना, तो मैं टाइम पर पहुँचना चाहता हूँ वहाँ. पहले हिलना बंद करो और सीधी खड़ी रहो. हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. इस उल्टी के पीछे किस महापुरुष का हाथ है? बस थोड़ी. अबे मुझे पीछे से किसने ठोका? कंट्रोल रूम, किसी ने हमारे ऑफिसर को ठोक दिया. क्या कहा? पुलिस वाला को ठोका? उसके साथ एक लड़की भी बैठी थी. आज उसकी ऐसी कर देंगे. ए तुझे बताता हूँ, ट्रैफिक पुलिस को ठोका ना तू. अब देख, जेल की हवा खाकर सीधा हो जाएगा. नरक के दर्शन कराऊंगा मैं तुझे. करवा दो सर. सॉरी सर. ए मार मार के तुझे ढोल बना दूंगा, तू देखना. हेलो मम्मा, आज मैं अपनी फ्रेंड निशा के घर रुकने जा रही हूँ. सुबह तक आ जाऊंगी मैं. ओके सर. सर आपको जो करना है कीजिए, हम यहीं रहेंगे. तुम्हें इस बात से टेंशन तो नहीं है ना? अरे मेरी माँ, टेंशन तो मुझे अब हो रहा है. देखो तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है. तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो प्लीज. प्लीज सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है. बोलो. मैंने आपको जानकर नहीं ठोका सर. तो कैसे ठोका? वो सर गलती मेरी है, मैं रुकता हूँ सर. इसे प्लीज जाने दो ना सर. ए यहाँ से कोई नहीं जाएगा. पता है कितना दर्द है मुझे. सर पहले ही आपका पिछवाड़ा टूट गया है और मम्मी मत लो ना सर. रात में लड़की को पुलिस स्टेशन में रोकना गैर कानूनी है. ऐसा क्या जाएंगे? हाँ वैसे भी आजकल मीटू मीटू बहुत चल रहा है. जाने दो इसे. मैडम जी आपके दोस्त का घर नहीं है, आप घर जा सकती हैं. मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ. अरे मेरी माँ क्या बात कर रहे सर. देखो प्लीज, ये दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हैं. घर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा. प्लीज मैं कल सुबह आ गया. नहीं, मेरे बाहर आते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा. हाँ ओके प्लीज फोन करना. बाय सर. लॉक की चाबी दो सर. अरे लॉक खुला है. मैं यहाँ बैठा हूँ बे. अरे क्या सर, अभी वो तो सोने चला गया सर. तुम दोनों की कोई सेटिंग चल रही है क्या? सेटिंग करके भी क्या फायदा? बैग डॉक्टर को फोन कर बे. सर मुझे तो सिर्फ फ्रेंड डॉक्टर पता है सर. अपना मुंह खोल. लॉकअप को बेडरूम समझ रहे हैं सर. इसे मार मार के उठाओ सर. ए इसे मार मार के नहीं उठाएंगे, इसे उठा कर मारेंगे. हो उठा इसे. जस्ट अ मिनट सर. भाई भाई उठ जा रहे. अरे ओ अरे सर, ये तो कुंभकर्ण की तरह सो रहा है सर. ओ ये क्यों उठ रहा है बे? क्या किया तूने इसे? कुछ भी नहीं किया सर. सारे के सारे नमूने हैं. ए इसे गाना गा के उठा तो. रसिका रसिका. ए मैंने बोला गाना गा के उठा. अरे सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. देखो अब मैं गाऊंगा. देखो उठा प्लीज. जा मेरे भाई. क्यों नहीं उठा? ये क्या किया तूने? आप मुझे जाकर इसे लेके आ जल्दी. जा कुछ नहीं किया सर. सर आप कपड़े उतरवा दिया आपने मेरे सर. आप बंद करो, कितना गंदा गाते हो. सर लगता है हमारे सामने पहली बार इतनी मेहनत की है. चल उधर कोने में चल. बेवड़ा कहेगा सर. ए सरोजा मेरी यूनिफॉर्म प्रेस की क्या? सर ए तू गीजर ऑन करना, मैं 5 मिनट में उठ जाऊंगा. सर मेरे पास मैं आपकी सरोजा नहीं हूँ सर. ये लॉकअप है और ये आपकी चाय की कप. ओ तो ये मेरा घर नहीं है. आपका बस चले तो आप इसे भी अपना घर बना लोगे. ये लो. The number you have dialed is currently switched off. सर, स्विच ऑन हो गया सर। हेलो। बेवकूफ कहीं के, घर पहुंच के फोन करने वाले थे ना मुझे। मैडम, आपका एरिया इस वक्त पुलिस स्टेशन की जेल में बेहोश पड़ा हुआ है, उसे आकर लेके जाओ। क्या? उसे अभी तक जेल में रखा है क्या? हेलो हेलो, उसने काट दिया सर। हाँ सर, उसका भाई कॉल कर रहा है। हेलो, अरे सर ये तो अपने साथ मीडिया वालों को लेकर आ गए, अब क्या करेंगे सर? वो किसी को इतनी छोटी सी गलती के लिए लॉकअप में बंद करके टॉर्चर करते हो? अरे मैडम हमने कुछ नहीं किया, वो अंदर बेहोश पड़ा है। इन लोगों ने उसे जगाकर बहुत मारा दीदी। अरे बाप रे, हाथ जोड़कर उसे छोड़ने की भीख मांगी मैंने, तो मुझे भी बहुत मारा दीदी, छोड़ना मत इन्हें। अरे ये क्या कर रहा है, ओवर एक्टिंग करके मरवाएगा क्या? हमने उससे पैसे लिए तो चुप बैठ गया, मार मार के उसे बेहोश कर दिया। बोलिए ऐसा क्या किया था उसने? सर क्या आपने उससे पुरानी दुश्मनी निकाली है? आपको रिश्वत नहीं मिली इसलिए मारा क्या? क्या ये एक्सीडेंट था या आपको किसी ने सुपारी दी थी? ये सब क्या चल रहा है? जनता जवाब मांग रही है सर। जवाब मांग रहे हैं, जवाब दूं कैसे? टाइम तो दो सर। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम गुरुमूर्ति है। हेलो, भरत का भाई। ओह, एक्चुअली जैसा आपको लग रहा है वो कोमा में नहीं है, बात यह है कि उसे एक तरह का डिसऑर्डर है। वो हर रोज 18 घंटे सोता है और बचे हुए 6 घंटे जागता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई सर। सॉरी सर, बाल बाल बचे। कल रात को स्टॉक लेट आया था ना, और मैं अपना फोन चार्जिंग पे रखकर सो गया था। एक सेल्फी की तो बात है ना, जाके दे दो ना। मैं कल सुबह आऊं क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे बाहर आते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्या मैडम आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया? मैडम आपने फालतू में टाइम वेस्ट किया, खाली बैठे रहते हैं क्या? मुझे पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती। एक लड़की लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, ये तुमसे मिलकर एहसास हुआ। अपनी इस वीकनेस की वजह से मैं तुम्हें कभी सच बता ही नहीं पाया। तुम्हारी वीकनेस मेरी वीकनेस नहीं बन सकती। लाइफ में फेल होने से ज्यादा प्यार में फेल होना बेहतर है। प्लीज भरत, अब से मुझे कॉल मत करना। अगर तुम फिर भी ट्राई करोगे तो मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। आज 26 जनवरी है, हॉस्पिटल जाने वाली लड़कियों की लिस्ट तैयार कर ले। वरु, गर्मा गर्म बर्गर आ गया। चाचू पापा ना मम्मी को अकेले घूमने लेके गए, लेकिन मुझे नहीं लेके गए। अरे मैं हूँ ना, ये लो खाओ। हाँ देखा, पापा का फोन आया, बात करो और बोलना चाचू बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तेरा फेवरेट बर्गर भी दिलाया ना मैंने। हेलो पापा। हेलो वरु, मैं मम्मा बात कर रही हूँ। हेलो मम्मा। हेलो वरु। हेलो मम्मा, चाचू को फोन दो। हेलो, मुझे बर्गर खिला दे। वरु, हम थोड़ा लेट आएंगे। हेलो मम्मा। हेलो वरु, तुम जल्दी घर आ जाओ। हेलो मम्मा। मम्मा मम्मा, कॉल कट गया। कोई बात नहीं, हम लोग घर जाकर दोनों की क्लास लेंगे। हेलो हेलो, मुझे फोन आया था। एक्सीडेंट केस है ना? बाय, उस तरफ जाइए। सर, एक्सीडेंट केस कहाँ? बॉडीज यहाँ अंदर पड़ी है। फर्स्ट फ्लोर पे राइट कैबिन में मिल जाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर। यस। वो क्या मैं अपने भैया भाभी की बॉडी लेकर जा सकता हूँ सर? ये मेडिकल लीगल केस है, सारी प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम होने पर ही आपको बॉडी देना अलाउड होगा सर। डॉक्टर मुझे स्लीपिंग सिंड्रोम है, अगर मैं सो गया तो इसका क्या होगा? हमारा कोई भी नहीं है, प्लीज मान जाइए सर। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। देखिए, देखो आई एम हेल्पलेस। प्लीज प्लीज डॉक्टर। वरु। सर, डॉक्टर आपका अंदर बुला रहे हैं। खा लेना बेटा। अरे जल्दी करो, रिसेप्शन के लिए लेट हो रहा है। हमें बहुत दूर जाना है। हम लोगों के पहुंचने तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वरु का ख्याल रखना। अगर हमें देर हो जाए तो याद से वरु को स्कूल से घर ले आना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भरत। चलिए जी, बाय। मिस्टर भरत, इस बच्ची ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बॉडी में पानी का लेवल भी बहुत कम है। शी इज टोटली डिहाइड्रेटेड। देखो, शुगर लेवल भी कितना गिर गया है। आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। सिर्फ बाप बनना काफी नहीं होता, जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। ये दवाई ले लीजिए। सॉरी चाचू पा, मेरी वजह से डॉक्टर ने डांटा आपको। नहीं वरु, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तेरा ख्याल रखे बिना ही मैं सो गया। न जाने ये स्लीपिंग डिसऑर्डर कब जाएगा। कोई बात नहीं चाचू पा, मैं जल्दी से ठीक होके आपका ख्याल रखूंगी, परेशान नहीं करूंगी। टिकट टिकट, बेटी कहाँ जाना है तुम्हें? विद्यावानी स्कूल स्टॉप अंकल। विद्यावानी स्कूल वो कहाँ है बेटा? शंकर मठ। अच्छा शंकर मठ, ये बस वहाँ नहीं जाती बेटा, कहीं और जाती है। अगले स्टॉप पर उतरकर दूसरी बस ले लेना बेटा। ठीक है अंकल। चलो चलो विजयनगर बेटा, यहाँ उतर जाओ। तुझे अभी दिखाता हूँ। ये करो सब, क्या कर रहे तुम? पब्लिक प्लेस में लड़ाई कर रहे हो? अच्छा हुआ आप गए। खड़ा रह वरना कर दूंगा तुम्हें। सीधा खड़ा हो जा। अगर अभी तुम लोग शांत नहीं ना तो मैं अरे नहीं मैं चालू किया सर, मुझे मार दिया तो सर बस थोड़ी देर और। क्या बोल रहा है तू? हमारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं सर। मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। चल चल अंदर बैठ, अंदर चुपचाप बैठ जा। तुम्हें हवालात में बताते हैं। अंकल आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे चाचू पापा को फोन करना है। तुम्हें पता चलेगा हवालात जाके पड़ेगा ना बेटा। कहाँ है तुम्हारा चाचू? अंकल मैं स्कूल जाते हुए खो गई, आप अपना फोन दीजिए ना, मैं अपने चाचू पापा को कॉल करूँगी। ये लो बेटा फोन करो। क्या सर आपकी बेटी खाना डिलीवर करने आई है क्या? ये मुझसे मिलने नहीं आई है, ये खो गई है तो अपने चाचू को ढूंढ रही है। किसी ने उठाया फोन? नहीं चाचू बाप मिस कॉल देखेंगे तो वापस कॉल करेंगे। ओ अच्छा फोन दो। देखो जब तक तुम्हारे चाचू कॉल नहीं करते तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। सर बैठिए सर। हेलो सर, इस नंबर से मिस कॉल आया था मुझे। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तुम्हारी खोई हुई बेटी इस वक्त मेरे साथ है। पुलिस स्टेशन आकर उसे ले जाओ। सर मेरी बेटी वहाँ सर के साथ। ये अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे सर। हाँ मेरी बेटी क्या भाई तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमसे अच्छे तो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। सॉरी सर। इट्स ओके। ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए समझे। थैंक यू सर। हेलो ये लो। थैंक यू सर। और रजिस्टर में अपनी डिटेल्स की एंट्री करते हुए जाना। हाँ वरु मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता ना। आप तो हमेशा सोते रहते हो चाचूपा, और वैसे भी पापा ने बोला था कि स्कूल मिस नहीं करते। सॉरी। शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट एंड फेवरेट स्टूडेंट फॉर आवर स्टाफ। आज के बाद स्कूल मिस नहीं करेगी और इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए। मेरी तरफ से अगर कोई गलती होती है तो प्लीज कोऑपरेट। डोंट वरी मिस्टर भारत, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। बट आपकी सिचुएशन देखते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आप इसे एक प्रॉपर गार्डियन असाइन कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए? स्केच पेन्स और कलर पेन्स देना। ये लीजिए। चाचू पा, मेरे पास पहले से ही कलर पेंसिल था, आपने और क्यों लिए? क्योंकि वरु बहुत सुंदर ड्राइंग करती है, इसलिए। चाचू को जगा हुआ ड्रॉ करोगी तुम? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। आप हमेशा सोते रहते हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? नहीं, प्रॉमिस। अगर तुम मेरी ड्राइंग बनाओगी तो नहीं सोऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। टेडी बियर मेरे को पहले चाहिए था, आपने आज क्यों दिलाया? सही है सॉफ्टी। थैंक्स। ये ले बेटा। आप ये सब क्यों खा रहे हो चाचू पा? मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसलिए। चलो। चिक्की 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 मेरा चाचू पा, चॉकलेट से भी स्वीट है मेरा चाचू पा। चिक्की 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 मेरा चाचू पा, चॉकलेट से भी स्वीट है मेरा चाचू पा। वरु, मेरी बात सुनोगी ना? हाँ चाचू पा। मेरी हर बात मानोगी? मैं हर बात मानती हूँ चाचू पा। तुम्हें यहाँ पर टाइम से खाना मिलेगा, पढ़ाई करने वाले टीचर्स और खेलने के लिए फ्रेंड्स सब मिलेंगे। नहीं रुक जा बेटी। नहीं चाचू पा, मेरे को आपके साथ जाना है। अरे बच्चा, मैं रोज मिलने आऊँगा ना। नहीं चाचू पा, मेरे को आपके साथ जाना है ना, आपने प्रॉमिस किया था। मैं क्या कहूँ? देखो, मैंने मेरे बड़े भैया से प्रॉमिस किया था कि हमारी वरु का मैं ख्याल रखूंगा। प्लीज मेरी बच्ची, बात मान जा वरु। अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं ढूंढते हुए आ जाऊंगी। ये लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वरु। चाचू, मैं आप ही के साथ रहूंगी ना, नहीं तो आपका ख्याल कौन रखेगा चाचू पा? सोने वाले का कोई ख्याल नहीं रख सकता। चाचू पा, आप मुझे बचाओ, आपने प्रॉमिस किया था ना। प्लीज चाचू पा, मत जाओ ना। प्लीज चाचू पा, मत जाओ। ऐसे नहीं करते बेटा। प्लीज चाचू पा, आप मुझे साथ ले जाओ ना। प्लीज। वरु, क्या कर रही हो बेटा? आंटी, मैंने चावल बना दिया, अब सांभर बना दो। हम साथ में खाना खाएंगे। जाओ, चाचा को उठाओ, साथ में खाते हैं। मैं चाचू पा को नहीं दूंगी। अच्छा? मैं उनसे गुस्सा हूँ, सिर्फ हम दोनों खाते हैं। ठीक है, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, तुम तब तक खेलो, ओके? ओके, कम 95 सेंटीमीटर्स। ठीक है। मम्मा! हाँ? हाँ? वरु, वरु क्या हो गया बच्चा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी कमजोरी मेरी कमजोरी ना बन जाएगी, सोच के मैं दूर हो गई। किस्मत का खेल तो देखो कि मैं उसी वजह से वापस आई। औरत होने के नाते मैं इस बच्ची को और तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। आज से वरु मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरु। ये चाचू बताता। हेलो हेलो, अरे तुम हो कहाँ? अरे यहाँ पर। वरु नहीं मिल रही। ए, यही थी। हाँ? तुम इसे यहाँ ढूंढो, मैं वहाँ पर ढूंढता हूँ। वरु, वरु, वरु। आपने इस बच्ची को कहीं देखा? नहीं नहीं। इस बच्ची को देखा क्या? नहीं मैम, नहीं देखा। भैया एक सेकंड। आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? नहीं मैडम, नहीं देखा। हेलो, वरु मिली क्या? मैंने हर जगह देखा, नहीं मिली। वरु, वरु। भारत, are you okay? सर, मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। वहाँ सर के साथ। हाँ सर। हाँ, एक कंप्लेन लिखवानी है सर। मेरी बेटी वंडरला में खो गई है। मेरे सामने ही खेल रही थी सर, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसमें बच्चे की डिटेल्स भर दो, कंप्लेंट हो जाएगी। सर मिठाई बांट दूं? हाँ हाँ, सबको बांट दो। ओके सर। ये आज कुछ स्पेशल है क्या सर? मेरी बेटी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। हाँ तुम भी लो। सर तुम यहाँ फिर से? बच्ची को वंडरला लेकर गया था सर, वो मेरे सामने ही खेल रही थी, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। अठारह घंटे हर कोई आराम के लिए सोता है, इसका तो आराम ही इसकी बीमारी है सर। हाय सर, प्लीज सर उसे जल्दी ढूंढ लीजिए। ओके नागप्पा, इनकी मिसिंग कंप्लेन लिख लो और हर स्टेशन को जाके जानकारी दो। हाँ ओके सर। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो FIR लिख लेना। ओके सर। भरत, तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी, डोंट लूज होप। थैंक यू सर। It's okay. चलते हुए किसी से टकरा जाना आम बात है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में डर देखा था सर। सॉरी। उसके कपड़े, गले में पड़ा गमछा और सर पे पहनी टोपी का कोई संबंध नहीं था। फोटोज को ध्यान से देखा तो पता चला वो वहां अकेला था, इसका मतलब उसने कुछ तो प्लान किया होगा। कैसे मालूम वो अकेला था? फैमिली के साथ भी तो हो सकता था। उसने कैफेटेरिया में सिर्फ 1 कप कॉफी ऑर्डर की थी, इसका मतलब हो ना हो वो वहाँ अकेला ही आया था। सर नागप्पा। हाँ सर। सारी डिटेल्स लिख लो। ओके सर। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है सर। इस अकाउंट होल्डर का एड्रेस देना। थैंक यू। हाँ यही घर है सर। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और वो तो बहुत ही शांत इंसान थे सर। ऐसा इंसान ऐसे चला जाएगा, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था सर। बोतल से उनका सर फाड़ दिया। संभालिए अपने आप को। मुझे लगता है कि वो औरत सच कह रही थी। उस आदमी की लीड के भरोसे इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी। मेरे पास तो जागने के लिए भी कम टाइम होता है। अपनी नींद से बाहर ही नहीं आ पाता। कैसी बर्बाद जिंदगी है। ये इन्वेस्टिगेशन होता है ना, ये खराब लाइटर की तरह होता है। बार बार उसे जलाकर देखना पड़ता है, क्या पता किस टाइम जल पड़े। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें कंसोल करने का ट्राई नहीं कर रहा सर। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में जब हमारा कोई अपना खो जाता है ना, तो उसे ढूंढने के लिए हम जी जान लगाकर कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दुनिया में खो जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कोई कोशिश काम नहीं करती। मेरी पत्नी मुझे हमेशा डांटती थी। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पर ही ज्यादा ध्यान दिया। जिस दिन हमें बेटी हुई, उस दिन भी मैं वहां नहीं था। उसकी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद उसी गुस्से में हमारी बेटी मेरे हवाले करके हमेशा के लिए वो हमसे दूर चली गई। एक दिन जब मुझे ये पता लगा कि मेरी बेटी को बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो घर को बर्बाद कर दे। मुझे लगता था कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही हैं सर, लेकिन आप भी मेरी तरह ही हैं। भरत, खतरों से भरी मेरी इस नौकरी में अगर मुझे थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसानों की मदद करके मिलता है। उम्मीद मत हारो। हेलो, देखिए सर, ये मेरी बच्ची वरु वर्धना 6 साल की है, और वो बहुत भोली बच्ची है। 1 महीने से लापता है, हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। प्लीज मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। वो किसी को मिले तो मुझे बताए, बहुत उपकार होगा। सर क्या हुआ आपकी बेटी को? क्या आपको किसी पे शक है सर? क्या आपको किसी पे शक है सर? पुलिस का इस बारे में क्या कहना है सर? कुछ तो बताइए सर, कहीं आपकी बेटी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया सर? बताइए सर, कुछ तो बोलिए सर, जवाब दीजिए। सर पानी पी लो, चाय लाओ। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, चॉकलेट से भी स्वीट है मेरा चाचूपा। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, बहुत सो लिए चाचू अब तो उठ जाओ ना। काले जामुन, तूने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, इसीलिए उसने तेरा पीछा किया। एक काम ठीक से नहीं कर सकता तू? ए ला गन दे मुझे, तुझे तो मैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने आपको लगा गया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? मार दो सर, मार दो सर, मार दो, मुझे जीना ही नहीं है। ए कुछ महीने के लिए इस काले जामुन को अंडरग्राउंड कर दो। हट सर, थैंक यू। चल चल बंद कर इन्हें, लड़कियों को छेड़ते हैं इडियट कहीं के रास्कल साले। सर सर आपकी चाय। ये दिन में 6 घंटे जागता है और उसमें भी इसे एडवेंचर करने की पड़ी है। समझा रहे ना गप्पा, पुलिस का काम पुलिस पर ही छोड़ दें, ज्यादा होशियारी भी ले डूबती है। बेवकूफ, इकलौता क्लू चला गया हाथ से। मुझे फोन करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी को सही सलामत ढूंढ निकालता मैं। इडियट कहीं के। क्या सर, क्लू ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, आपने मौका गवा दिया सर। भारत, अगर तुम इनकी क्रिमिनल लिस्ट चेक करोगे तो उसे अच्छे से पहचान लोगे ना? सर सर 3 महीने पहले से एक लड़की छेड़ने के केस में लोगों ने मारा था। मैंने सर अरेस्ट करके 2 दिन लॉकअप में भी रखा था सर, और इस रजिस्टर बुक में मैंने ही एंट्री करी थी सर। इस लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इस लड़के के वजह से आज पहली बार पुलिस घर आ गई है। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई है। तुम्हारे घर में पुलिस आई है, आग नहीं लगी है। जल्दी से बताओ पोता कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या जानू वो कहाँ है, 20 साल से मैंने उसे नहीं देखा। निकलो यहाँ से। तुम बस यहाँ बैठकर चिल्लाती रहना, और वहाँ तुम्हारा पोता पूरे शहर में लड़कियाँ छेड़ रहा है। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम पुलिस लोग बस गरीब लोगों को परेशान करते हो। अरे जाओ जाओ, जितनी मर्जी तलाशी ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा प्यारा पोता बहुत शरीफ लड़का है। तुम्हें कुछ मिला क्या? चेकिंग। भारत, these medicines are used to stimulate ovaries to mature the follicles. लेकिन ये बांझ औरतों को दिया जाने वाला ड्रग है। सवाल ये नहीं है कि ये दवाई है क्या, सवाल ये है कि ये तुम्हारे भाई के पास क्यों थी। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम कहो तो हम दोनों। आजकल की लड़कियों में स्मोकिंग, अल्कोहल और जंक फूड के कंजम्पशन की वजह से एग सेल्स का वीक होना बहुत ही कॉमन है। मेनोफोर का इंजेक्शन लगाने से एग सेल्स के काउंट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अच्छा, ये एनेस्थेटिक ड्रग्स और सेडेटिव एजेंट्स को यूज करके कई लोग इलीगल एक्टिविटीज भी करते हैं। वैसे ही ये ड्रग भी यूज करते हैं क्या? विमेन एग ट्रैफिकिंग माफिया वाले लोग इस ड्रग को यूज करते हैं। विमेन एग्स ट्रैफिकिंग मतलब? जैसे एक आदमी के स्पर्म्स वीक होने पर किसी और के हेल्दी स्पर्म्स को कल्चर किया जाता है, वैसे ही जब किसी लड़की के एग सेल्स वीक होते हैं तब किसी और के एग सेल्स लिए जाते हैं और फिर उन्हें लैब में स्पर्म के साथ कल्चर किया जाता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की माने तो ऑस्ट्रेलिया 53%, यूएसए 61%, स्पेन 63% और हमारे इंडिया में 30 to 35% एग सेल्स की इतनी डिमांड है। इस डिमांड की वजह से विमेन एग सेल्स ट्रैफिकिंग की शुरुआत हुई। According to my own study and research, 2004 और 2005 में ब्रिटेन की औरतें इनफर्टिलिटी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की लड़कियों के हेल्दी एग सेल्स को अपने लिए खरीदकर अपने बच्चे पैदा करने लगी, और ये सभी कंट्रीज फर्टिलिटी टूरिज्म कंट्रीज के नाम से फेमस हो गई। इस वजह से कई लड़कियों को पैसों का लालच देकर या फिर किडनैप करके उन सभी को मेनोफोर का हाई डोज देकर ओवरीज को स्टिम्युलेट करके एग सेल काउंट को ज्यादा बढ़ाकर उन्हीं एग सेल्स को हजारों पाउंड्स की कीमत में बेचा जाने लगा। डॉक्टर, इंडिया में भी इस तरह की ट्रैफिकिंग हो सकती है क्या? जैसे कि मैंने पहले कहा, इंडिया में इस ट्रैफिकिंग के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, बट हमारे इंडियन एग सेल्स की हमारे देश में और फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर एक भी एग सेल बिकता है और उससे लाखों का फायदा होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडिया में एग सेल ट्रैफिकिंग का माफिया हो सकता है, और अगर ये सच है तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर विमेन्स लाइफ। Doctor, thanks a lot for the information. As per the investigation, तुम्हारे भैया और भाभी एक रॉन्ग रूट पर वन वे से आ रहे थे. अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली एम्बुलेंस से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट स्पॉट से हमें सबूत भी मिले. केस क्लोज हो गया. बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैंने इस केस को ध्यान से स्टडी किया तो मुझे कुछ चीज़ों पर शक हुआ. एक्चुअली तुम्हारे भैया और भाभी हसरघट्टा से वापस आ रहे थे और उसी रास्ते पर एक डबल रोड है. वो वहां से यू टर्न भी ले सकते थे, लेकिन रॉन्ग रूट पर वन वे से ही क्यों गए? ऐसी क्या अर्जेंसी हो सकती थी? जब मैंने तुम्हारे भैया और भाभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि उस रात उन्होंने सिर्फ तुम्हें कॉल किया था और वो कॉल उठाया था वरुण ने. इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ बता पाते उनका एक्सीडेंट हो गया. अनदर थिंग इज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इट्स अ नॉर्मल एक्सीडेंट एंड नॉर्मल डेथ. लेकिन उनकी लाश पे लगे चोट के निशानों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं लगता. सो वी आर नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी. बट तुम्हारे भाई की शर्ट पर जो तुम्हें स्टिकर मिला है वो इस केस को एक नया रुख देता है. वो स्टिकर तुम्हारे भाई की शर्ट पर आया कहाँ से? या फिर जैसा कि डॉक्टर ने कहा कहीं इसका एक्सेल माफिया से तो कोई कनेक्शन नहीं है. या फिर तुम्हारी बच्ची के गायब होने का इससे कोई कनेक्शन हो सकता है. अगर हम स्टिकर पर इन्वेस्टिगेशन करके उसकी तह तक जाएंगे कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी. ये सब क्या है सर? आखिर ये लोग हैं कौन? मुझे लगा कि ये छोटा सा क्लू मुझे मेरी बच्ची वरु के पास लेकर जाएगा, लेकिन ये तो मुझे मेरे भैया भाभी तक लेकर जा रहा है. अब मैं उनकी मौत का कारण ढूंढूं या फिर मेरी बच्ची को ढूंढूं जो मुझे ढूंढ रही है? समझ नहीं आ रहा सर. भरत, तुम्हारे सामने दो पहेलियां हैं. अगर तुमने एक को भी सुलझा लिया तो समझो दूसरी खुद ब खुद सुलझ जाएगी. डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं. नहीं बचेगा सर, कोई भी नहीं बचेगा. उन्होंने जिसे जगाया है वो इंसान नहीं है, कुंभकर्ण है. इस जेंटलमैन के अंदर सोया हुआ कुंभकर्ण जाग चुका है. तुम लोग क्या प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो जो तुम्हें डिटेल्स दूं? हाँ, हम कौन हैं तुझे समझ आएगा. पहले तो ये बता, इस बैच नंबर की दवाई तूने किसे और कब सप्लाई की थी? देखो, इस एरिया का ऐसा ही मेरा दोस्त है, इससे पहले कि मेरा भेजा फिर जाए. निकलो. सर, मैं तो बस नाम का ऑनर हूँ सर, असली ऑनर कोई और है सर. वो मुझे जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है सर. अब बता वो कहाँ मिलेगा? सर वो दोपहर में अपने ऑफिस में मिलेगा सर. श्री हॉस्पिटल में मैं बस दवाइयाँ सप्लाई करता हूँ साहब, मैं नहीं जानता वो उनका क्या करते हैं. डॉक्टर स्वामी प्रकाश, द फेमस गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. अगर हमें उसका गिरबान पकड़ना है तो इतना सा प्रूफ बेकार है. ही इज अ मास्टरमाइंड और वो अपने खिलाफ कोई सुराग नहीं छोड़ता. जैसे इंसान की मौत का समय उसके जन्म के साथ आता है, वैसे ही हर क्राइम करने वाला अपनी बेवकूफ़ी से कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है. नागप्पा सर, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया है तो मुझे निकलना होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना सर। ओके हाँ ठीक है सर। जनवरी 26 चेक करना, डे नहीं नाइट। सेकेंड विंडो ओपन करो, रुको एम्बुलेंस में जूम इन करो। सर यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। विमेन एग ट्रैफिकिंग माफिया वाले लोग इस ड्रग को यूज करते हैं। सेम डे दिसंबर में चेक करो। इसी हफ्ते के आसपास की डेट्स चेक करो। स्टॉप स्टॉप, ज़ूम इन करो और ज़ूम इन करो। यस सर, इस एम्बुलेंस को ट्रेस करके हम इसे पकड़ सकते हैं। हॉस्पिटल से निकलकर राइट में आता है पीएस कॉलेज। पीएस कॉलेज से आगे नंदी सिग्नल आता है ना। ट्रैफिक कंट्रोल की सीसीटीवी फुटेज में इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्रूफ मिल गया सर, और देर नहीं करेंगे। एसीपी के ऑफिस से मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल जाऊंगा, उस डॉक्टर से मिलूंगा और एम्बुलेंस की लोकेशन जैसे ही मिले मुझे इन्फॉर्म करना। ऑल द बेस्ट। हाँ वही एम्बुलेंस है। नंदी सिग्नल चेक करना। इसके आगे कोई फुटेज नहीं। सर पेट्रोल पंप से उन्होंने राइट लिया था, मतलब वो हसरघट्टा गए होंगे। शायद उनका सारा काम उसी लोकेशन के आसपास होगा। तूने मेरे भैया भाभी को क्यों मारा? मेरी बच्ची कहाँ है? ए नंबर, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मेरे भैया भाभी को क्यों मारा? बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता कि तेरा और जॉनी का क्या लेना देना है, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ए इनोसेंट बॉय, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। Chapter 1, भेड़िए की कहानी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया था। उस भेड़िए को हिरण का शिकार करना बहुत पसंद था और उस भेड़िए को सबसे ज्यादा वो हिरण पसंद थी जो थी जवान। बेचारी सारी हिरने रोती थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुझे और एक बात बताऊं, उसमें से एक कैदी हिरण एक बेवकूफ भेड़िए की गलती की वजह से वो हिरण जंगल छोड़ के वहां से भाग निकली। कहानी तो बहुत ध्यान से सुन रहा है, आने वाला ट्विस्ट तू गेस मारेगा? नहीं मारेगा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। वो हिरण बहुत ही स्पीड में भाग रही थी और फिर उस हिरण को बचाने के लिए वहां पर अचानक दो चिड़िया आ गई। सर, वो लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। भरत को फोन करके बोल दो, हम लेट हो जाएंगे। भेड़िया शॉक, चिड़िया रॉक्स। भेड़िया सोचा अगर इस सब के बारे में हिरण ने जाकर जंगल के राजा को बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। भेड़िया चिड़ियों से हारने के लिए तैयार नहीं था। भेड़िया हार कैसे बर्दाश्त करता, इसीलिए। हेलो ए हीरो, तुझे पता है वो दो चिड़िया कौन थी? ऐसे ये बंजर हो गया रामा। तुम लोगों ने मेरे बिजनेस में टांग अड़ाई है। यह है तुम्हारी लाइफ की समाप्ति। शुभरात्रि। तुम जाओ, ये भी आई रहे हैं। रेस्ट इन पीस। Chapter 2. ये लो खा लो, शाबाश। गुड़िया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, जंगले से मिल सोएगा मेरा चाचूपा। चिक्की 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 मेरा चाचूपा, चॉकलेट से भी सोएगा। किसी करो मामा, बोलो मामा। मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसे बड़ा करूंगा और फिर मैं इसकी शादी करवाऊंगा। नानी से उस बच्ची को तूने क्यों किडनैप किया? सर वो ये जॉनी अपनी तारीफ भूल सकता साहब, लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं। उस नानी ने सब लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया सर, और ऊपर से वहां लड़कियां भी थी। मेरा दिमाग घूम गया सर। और फिर एक रात को मैंने उसे एक बच्ची को वंडरला से ले जाती हुई देखा। उस दिन एक लड़की को छेड़ क्या दिया तूने, मुझे सब लोगों के सामने चप्पल से मारा। अब देख तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को लेकर जाऊंगा, इसे पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगा। मैं करूंगा इसकी शादी। सर बच्ची कहाँ है? नहीं दूंगा सर, उसे नहीं दूंगा। क्या है ना, उस बच्ची को मैं बड़ा करूंगा, जब वह जवान हो जाएगी फिर उसकी शादी कराऊंगा। क्या करूं सर, मुझसे कोई प्यार करने को तैयार ही नहीं है। क्या भाई मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे प्यार का हक नहीं है क्या? फील द फीलिंग, फील माय लव बेबी। अभी खत्म नहीं हुई है। Chapter 2 शेर की कहानी, वर्दी वाले शेर की कहानी। महीने में कुछ 4 से 5 किडनैपिंग्स, करीब 50 से 60 एक्सेल्स, एक एक्सेल के करीब 2 लाख रुपए, करोड़ों का टर्नओवर। काफी ट्रेंडी बिजनेस है ना डॉक्टर? बताइए आपको क्या चाहिए ऑफिसर? जस्ट गिव एंड टेक पॉलिसी। मुझे तुम्हारे गैंग का आदमी जॉनी चाहिए। मैंने कभी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी सर। तो क्या उम्मीद की थी? क्या उम्मीद की थी? सल्यूट मार मार के मुझे याद दिलाया जाता था कि मैं एक पुलिस वाला हूं, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी मुझे पापा कहकर बुलाती है। जब वो पापा कहती तो उसकी सांसें मुझसे टकराती। मुझे एक नया जन्म मिलता है। पापा पापा सुनने में एक तरीके का एडिक्शन है भारत। अगर मैं एक दिन भी आवाज ना सुनूं तो अधूरा सा लगता है। दिल तड़पता है मेरा। मेरी बेटी और उसकी खिलखिलाहट में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन उसके एक कदम ने मुझे हिला कर रख दिया। स्वर्ग से सीधा नर्क में आ गिरा मैं। भारत, मेरी बेटी को सिवियर हार्ट प्रॉब्लम है। ऊपर वाले ने उसके साथ ऐसा क्यों किया पता नहीं। फर्स्ट टाइम इस खाकी वाले को डर लगने लगा। मेरी बेटी की दिल की धड़कनें रुक जाएंगी ये सोचकर डर लग रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। डोनर भी मिला, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। रेयर ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप चाहिए था। लाखों में किसी एक का ऐसा ब्लड ग्रुप होता है। कौन होगा उन लाखों में से एक जो इस ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होता, उस दिन मैं सारी उम्मीदें हार चुका था। और फिर फरू आशा की किरण बनकर आई। उस दिन मेरे अंदर का पुलिस वाला मर गया और अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने वाला, पूरी दुनिया को हिला देने वाला बाप जाग गया। और उस दिन मैंने ये प्लान बनाया। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अपने दोस्त नानी के हाथों वरु को किडनैप करवाया। मुझे लगा मेरी बेटी बच गई, मुझे लगा मेरी बेटी अमर हो गई, लेकिन तू पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेन लिखवाने आ गया। मुझे लगा मैं तुझे किसी ना किसी तरह भटका दूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। किडनैप करने वाला मेरा दोस्त नानी अचानक एक दिन मर गया। मजबूरन मुझे तुझसे हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन तेरा ढूंढा एक एक सुराग सीआईडी वालों से भी परफेक्ट निकला। सृष्टि हॉस्पिटल में, इसलिए तेरे एक एक कदम पर तुझको हौसला देता चला गया। उम्मीद मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उम्मीद मत हारो। फिर एक दिन तूने उस जॉनी का पीछा किया, वो भाग गया। उस वक्त मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया। मुझे फोन करना चाहिए था, तुम्हारी बेटी को सही सलामत ढूंढ निकालता मैं। लेकिन जॉनी के घर पे तुझे वो दवाई मिलने से मुझे तेरे भैया भाभी की मौत का लिंक मिल गया। फिर मैंने तेरा ध्यान वहां भटकाकर जॉनी को ढूंढना शुरू किया, और इस बीच तूने मुझे बहुत पुख्ता सबूत दिया कि जॉनी और डॉक्टर का बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया। मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया तो मुझे निकलना होगा। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। यह सुनकर मेरा रोम रोम कांप उठा, लेकिन फिर मेरी उम्मीद को जगाने के लिए आया तेरा फोन कॉल। फिर मैंने एम्बुलेंस की तरफ तेरा ध्यान भटकाया। उस डॉक्टर से मिलूंगा और एम्बुलेंस की लोकेशन जैसे ही मिले मुझे इन्फॉर्म करना। तेरे ही वीडियो का इस्तेमाल करके डॉक्टर के साथ एक डील की और उस जॉनी का एड्रेस निकाला। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुझे उसका निशाना बनाया। अनजाने में तुमने सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया है, और अगर सही वक्त पर उस कुंभकर्ण को ऊपर नहीं भेजा गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ सोने के ही मामले में कुंभकर्ण है, पर तू तो ताकत में भी कुंभकर्ण निकला। तूने एक वहशी काम किया है, और तू ऐसे बात कर रहा है जैसे तू कोई सिपाही है। तो क्या फर्क है हम दोनों में? एक सिपाही देश को बचाता है, और यहां मैं अपनी बेटी को बचा रहा हूं। What about you? तू क्या कर रहा है? तू भी तो वही कर रहा है ना? Correct? क्यों? देख भरत, तू एक पेशेंट है। तू दिन में 18 घंटे सोता है, बचे हुए 6 घंटे तेरे लिए काफी नहीं है। और वैसे भी इस हालत में तू अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख पाएगा। मुझे पता है तुझ में सच बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, इसीलिए तेरी सही जगह तेरे भैया और भाभी के पास है। और जब तक तेरा ऊपर भारत मिलाप होगा, तेरी बेटी भी आ जाएगी।